अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, क्या हाल हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। मैं हूँ रीता राबेल और एक चटपटी वीडियो में आप सबको वेलकम करती हूँ। आज की वीडियो बहुत शॉर्ट सी है, लेकिन जितनी शॉर्ट सी है उतनी ही मज़ेदार और चटपटी है। जी, आपको आइडिया होगा कि आज हम आपके साथ एक थाली शेयर कर रहे हैं जो कि ग्रिल एंड ग्रिल की थाली है। आज मैंने विजिट किया है ग्रिल एंड ग्रिल का और इनका कंप्लीट मेन्यू मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। क्या क्या कॉम्बो है, क्या क्या थाली है, यहाँ पर क्या डील है, सब आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ विद प्राइस। मैं आई हूँ ओशन मॉल के ग्रिल एंड ग्रिल पर। इनके फूड कोर्ट में ग्रिल एंड ग्रिल भी है, इसके अलावा बहुत सारे मॉल के फूड कोर्ट में आपको ग्रिल एंड ग्रिल मिलता है, लेकिन यहाँ की जो थाली है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त होती है। एक से बढ़ के एक थाली होती है ज़बरदस्त मेन्यू और ज़बरदस्त डिशेज के साथ। तमाम थाली भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, कंप्लीट मेन्यू भी मैंने आपको दिखा दिया है। ये देख लीजिए, इन्होंने अपने जो पूरे रेस्टोरेंट पे ना ये सारा इन्होंने डिस्प्ले किया हुआ है कि क्या क्या डील्स हैं, क्या क्या ऑफर आपको मिल रही हैं। यहाँ हमने अपनी थाली नंबर 5 का ऑर्डर कर दिया था और उसका जो कंप्लीट उसका जो प्राइस है वो है विद टैक्स 1490 रुपीज़। ये देख लीजिए, इंक्लूडिंग टैक्स ये आपको मिलेगा 1490 रुपये का। थाली नंबर 5 हमने ऑर्डर कर दिया था, तकरीबन 10 से 12 मिनट में हमारा ऑर्डर रेडी होकर आ गया था। ये देख लीजिए, इसमें रेशमी कबाब है और चरदक बोटी की जगह हमने मलाई बोटी ऐड करवा ली थी। इसके अलावा बीफ कबाब फ्राई हैं, पराठा है, पूरी पराठा, 2 नान हैं, सैलड है, चटनी है, ये देख लीजिए। और टेस्ट जो है ना हर चीज़ का बहुत ही आला होता है। सबसे बड़ी और मज़े की बात यह है, आप कोई भी थाली ऑर्डर करें, यहाँ से आप कोई भी चीज़ टेस्ट करें, टेस्ट बहुत ही गज़ब का होता है। कोई चीज़ आज तक मैंने किसी भी थाली में ऐसी ट्राई नहीं की जो मज़ेदार ना हो। ग्रिल एंड ग्रिल की तमाम थाली बहुत ही ज़बरदस्त होती हैं, चाहे आप सब्ज़ी ऑर्डर करें या आप कोई बारबेक्यू, बहुत बहुत मज़ेदार होता है। अक्सर हम लोग यहाँ थाली खाने आते हैं, लेकिन आज मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई हो।